हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हाल ही में DRDO सेप्टेम 09 एडमिन एंड अलाइड 2019 रिक्रूटमेंट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं, और इस वीडियो में हम आपके द्वारा जो आपकी क्वेरी रही है, पिछले वीडियो में DRDO सेप्टेम 09 के लिए कट ऑफ एक्सपेक्टेड एनालिसिस था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आप उसको एनालाइज कर पाएंगे कि आपके एग्ज़ाम के लिए, टियर फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या हो सकती है। उसमें बहुत से कैंडिडेट्स के द्वारा बहुत ज़्यादा कॉमेंट किया गया और उसमें कुछ क्वेरी जो है वो पूछी गई हैं, तो इस वीडियो में हम उसको डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी आंसर की आ सकती है क्या, टियर फर्स्ट का जो रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा, टियर टू एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। स्किल टेस्ट के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल जानकारी जो है वो बताने वाले हैं, तो ये सारी जानकारी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है उसके लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, तो वहाँ से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे उससे पहले, अगर आप रेलवे के NTPC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 80+ फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, और इसको आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, यहाँ से आपको फुल डिटेल्स जानकारी मिल जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, करंट अफेयर 2019 के लिए जनवरी से लेकर के अक्टूबर मंथ तक की कंप्लीट PDF जो आप इसकी हैंड रिटन PDF है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में इसकी लिंक दी गई है, वहां से आप इसकी कंप्लीट PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपके DRDO सेप्टेम 09 एडमिन एंड अलाइड 2019 रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में आपको इस वीडियो में मैं टियर फर्स्ट एग्ज़ाम रिजल्ट, आंसर की, टियर टू एग्ज़ाम कंडक्ट कब तक हो सकता है और स्किल टेस्ट के बारे में जानकारी जो भी आपको बताने वाला हूं, वो DRDO के द्वारा जो पिछली रिक्रूटमेंट की गई है उसमें किस तरीके से कितना टाइम इन प्रोसेस में जो DRDO के द्वारा लिया गया है उसके आधार पर मैं आपको ये सारी जानकारी बताने वाला हूँ, जिससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो भी प्रोसेस होने वाली है उसमें कितना टाइम आपको लग सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सरकारी रिजल्ट की जो वेबसाइट है उस पर यहाँ पे हम, और ये काफ़ी ऑथेंटिक वेबसाइट है। इससे पहले DRDO के द्वारा 2018 में एक रिक्रूटमेंट दी गई थी जो कि DRDO सेप्टेम 09 STA-B, ये टेक्निकल जो पोस्ट रहती है उसके लिए ये रिक्रूटमेंट की गई थी। इसमें भी लगभग उसी तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो यहाँ पे इस प्रोसेस के लिए जो एग्ज़ाम था वो आप देख सकते हैं, टियर फर्स्ट का जो एग्ज़ाम था वो 15 से 18 दिसंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, और अभी आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है वो लास्ट एग्ज़ाम 23 नवंबर को कंडक्ट किया गया है। इसके बाद इनके द्वारा जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस्ड किया गया था वो 14 फरवरी 2019 को। यहाँ से आप देख सकते हैं लगभग 2 महीने का टाइम लगा था, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर अगर देखा जाए इस टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग तो लगभग इतना ही टाइम लगने वाला है। इसके अकॉर्डिंग जो आपका रिज़ल्ट है वो पूरा का पूरा जनवरी निकल जाएगा, उसके बाद लगभग स्टार्टिंग फरवरी के आसपास आपका जो रिज़ल्ट है वो ज़रूर अनाउंस किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपका टियर फर्स्ट एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, और इसके बाद जो एग्ज़ाम डेट जो टियर टू एग्ज़ाम हुआ था इस प्रोसेस में, जो आपको पिछली प्रोसेस थी उसके अनुसार अगर बात की जाए तो पिछली प्रोसेस में जो हुआ था वो हुआ था अप्रैल में, जो कि 2 महीने का पूरा पूरा टाइम था, लगभग 7 दिन कम थे। तो यहाँ पे भी आपका जो लगभग फरवरी के आसपास, फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका जो है एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाएगा टियर फर्स्ट के लिए। फिर उसके बाद आपको लगभग 1.5 महीने के आसपास तो टाइम आपको मिनिमम मिलने ही वाला है, तो इतना आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो भी लगभग अप्रैल के आसपास ही आपका जो एग्ज़ाम है टियर टू के लिए वो कंडक्ट हो सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है उसकी प्रोसेस में कितना टाइम लग सकता है, और फाइनल रिज़ल्ट भी लगभग 1 महीने बाद यहाँ पे जारी कर दिया गया था, क्योंकि फाइनल रिज़ल्ट के लिए जो स्किल टेस्ट होने वाला है टियर टू के लिए उसमें ज़्यादा कैंडिडेट नहीं रहेंगे और उसमें टाइम भी कम लगेगा। अब आप सोचेंगे कि ये प्रोसेस जो है वो इसी के अकॉर्डिंग क्यों रहेगी, तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि जो पोस्ट है वो 494 पोस्ट ही है, और पिछले भी रिक्रूटमेंट में आपकी पोस्ट ज़्यादा नहीं है, समथिंग के आसपास ही आपकी इसी तरीके की पोस्ट हैं। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे अपने एग्ज़ाम की प्रोसेस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट जो होगा वो 2 मंथ में आपका रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद आपको लगभग 1.5 महीने का जो टाइम है वो आपको दिया जाएगा आपके टियर टू के
उसके लिए उसका गैप रहेगा, इसके बाद आपका लगभग 1 महीने का और टाइम रहेगा, इसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। आंसर की बात की जाए तो आंसर की यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी लिंक आंसर की के लिए नहीं है, और ये वेबसाइट जो आप देख रहे हैं सरकारी रिजल्ट, ये किसी भी तरीके की अपडेट को नहीं छोड़ते हैं। तो अगर आंसर की आई होती इस एग्ज़ाम के लिए तो यहाँ पे वो उसकी लिंक भी देते, तो इस तरीके से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है आपकी आंसर की जो है टेयर फर्स्ट एग्ज़ाम की शायद नहीं आ सकती है। जिस हिसाब से पिछली प्रोसेस है उसके अनुसार ही हम आपको यहाँ पे जानकारी बता रहे हैं। हो सकता है आपकी आंसर की को जारी भी किया जा सकता है, लेकिन पिछली प्रोसेस में कोई भी आंसर की जारी नहीं की गई थी, तो इस हिसाब से आपका जो अंदाज़ा है अनुमान है उसको देखा जाए तो आंसर की के चांसेस यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं स्किल टेस्ट के लिए। हालांकि बहुत से कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के बारे में जानकारी होगी, लेकिन पिछले जो कट ऑफ का वीडियो था उसमें बहुत से स्टूडेंट्स के द्वारा ये कमेंट किया गया था कि स्किल टेस्ट में क्या प्रोसेस होने वाली है, तो इसलिए इस स्किल टेस्ट को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर सेकेंड ग्रेड के लिए जो स्किल टेस्ट है वो 10 मिनट्स एट रेट 80 वर्ड्स पर मिनट, ट्रांजेक्शन 50 मिनट्स, इंग्लिश ओनली ऑन कंप्यूटर्स पर आपका इस तरीके का स्किल टेस्ट होने वाला है। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए जो कि इंग्लिश टाइपिंग है, यहाँ पे भी आपका जो स्किल टेस्ट है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। इसको जूम करते हैं, जूम करके आप देख पाएंगे कि जो स्किल टेस्ट है इंग्लिश टाइपिंग है वो 35 वर्ड पर मिनट है, जिसमें आपको टाइम 10 मिनट्स का टाइम रहेगा। इसमें आपकी 35 वर्ड पर मिनट जो है वो करस्पॉन्ड होना चाहिए 2:1500 KDPH की स्पीड से। यहाँ पे KDPH आप लोग जहाँ तक जानते होंगे इसके बारे में, की डिप्रेशन पर आवर के हिसाब से आपका यहाँ पे काउंट होने वाला है, और एवरेज जो है वो ऑफ 5 की जो डिप्रेशन है वो ऑफ ईच वर्ड के लिए रहना चाहिए आपका। और यहाँ पे इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए के लिए भी हिंदी टाइपिंग के बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई है, वो हिंदी टाइपिंग भी आप देख सकते हैं, जिसमें आपको 30 वर्ड पर मिनट जो होगा वो रहना चाहिए, और जो आपका KDPA है वो 9000 जो है वो KDPA होना चाहिए। यहाँ पे स्टोर असिस्टेंट की बात की जाए तो इसके लिए भी आपकी इंग्लिश टाइपिंग है, इंग्लिश टाइपिंग के लिए 35 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए, यही पे जानकारी है। उसके बाद स्टोर असिस्टेंट की बात की जाए तो स्टोर असिस्टेंट के लिए आपकी स्किल टेस्ट जो है वो नॉर्म ऑफ कंप्यूटर्स पर होगा, वो हिंदी टाइपिंग होगी, और ये आपकी 30 वर्ड पर मिनट जो होगा इस तरीके से आपकी हिंदी टाइपिंग के लिए रहेगी। सिक्योरिटी असिस्टेंट की बात करें तो इसमें आपका फिजिकल जो है वो फिटनेस टेस्ट होने वाला है, और इसके अंतर्गत क्या क्या होने वाला है वो आपको आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपका क्लर्क कैंटीन मैनेजर ग्रेड 3 के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो उसके हिसाब से आपका जो है वो यहाँ पे स्पीड इंग्लिश टाइपिंग होने वाली है, जिसमें आपको 30 वर्ड पर मिनट, और हिंदी टाइपिंग भी आपको यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आपने चूज़ किया होगा तो वहाँ पे आपको हिंदी टाइपिंग रहेगी जो कि 25 वर्ड पर मिनट रहेगी। और की डिप्रेशन भी यहाँ पे दिया गया है, इसके साथ साथ आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कैंटीन मैनेजमेंट के लिए, जो कि आपका गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनमस जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पे आपको ये एक्सपीरियंस जो है सर्टिफिकेट वहाँ से आपको जारी किया जाना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो फिर वहाँ से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। असिस्टेंट हलवाई कम कुक की अगर आपने पोस्ट पर अप्लाई किया है तो यहाँ पर जो है वो 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपको जो है वो मांगा जाएगा, और संभवतः यहाँ पर जो स्किल टेस्ट है उसके बारे में तो नहीं दिया गया है, पर हो सकता है वहाँ पर आपको कुकिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ जो भी स्किल होगी वहां पे आपसे करवाई जाएगी। तो 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए कुकिंग के लिए, जो कि गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसको जारी किया जाना चाहिए। व्हीकल ऑपरेटर के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर और लाइट या हेवी व्हीकल के लिए हो। इसमें आपको नॉलेज होना चाहिए मोटर मैकेनिज्म के बारे में, और आपका एक्सपीरियंस है वो भी होना चाहिए कार या ड्राइविंग के से रिलेटेड। यहाँ पे फायर इंजन की बात करें ड्राइवर ए के लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको पोजीशन ऑफ ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर 2 और 3 व्हीलर्स एंड लाइट एंड हेवी व्हीकल्स, नॉलेज ऑफ आपका ट्रैफिक रेगुलेशन से रिलेटेड आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। ये चीज़ें आप बहुत अच्छे समझ के जाना अगर आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है कि ट्रैफिक जो है
उसमें किस किस तरीके के रूल्स होते हैं, तो उनको एक बार आप समझ लेना। अभी कुछ ट्रैफिक में नया चेंज हुआ है, रूल्स में संशोधन हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आप देख लेना, कितना जुर्माना इस तरीके से अगर हो सकता है वहाँ पर क्वेश्चन आपसे किया जाए तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसके साथ साथ फिजिकल का जो फिटनेस टेस्ट है वो भी होगा। और फायरमैन की बात करें तो फायरमैन के लिए यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में मैं आपको यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आपका फिजिकल मेजरमेंट है, क्या क्या आपके फिजिकल मेजरमेंट होने चाहिए। आपकी हाइट जो है, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 165, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 157 सेंटीमीटर आपकी जो है वो मिनिमम हाइट होनी चाहिए। चेस्ट है वो बिना फुलाए, आपका जो सीना है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए फीमेल के लिए, यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई वो नहीं है। और चेस्ट जो है एक्सपेंशन यानी फुलाने के बाद ये 5 सेंटीमीटर मिनिमम जो है वो फूलना चाहिए, तो इस तरीके से। और वेट जो है वो आपका 50 किलोग्राम्स मिनिमम होना चाहिए, बाकी आपकी VDMS जो इंडेक्स होती है उसके अकॉर्डिंग इसको काउंट किया जाएगा वेट को, कि आपका कितनी एज है, कितनी हाइट है, उसके अनुसार आपका क्या वेट बनता है वो। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो फिजिकल है उसमें आपको कोई भी बो लेग नहीं होनी चाहिए। बो लेग आप देख सकते हैं, कोई भी जो लेग होती है वो इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। नॉक नी नहीं होना चाहिए, नॉक नी मतलब जो भी आपके घुटने होते हैं वो एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए। और जो है फ्लैट फुट, ये नहीं होना चाहिए। फ्लैट फुट नॉर्मली जो आपका फुट होता है वहाँ पर थोड़ा सा अंदर की ओर गड्ढा सा होता है, वो बिल्कुल फ्लैट नहीं होना चाहिए। तो ये आपके यहाँ पर पोजिशन दी गई है। और इसके साथ साथ आपको रिलैक्सेशन दिया गया है, जो भी कैटेगरी है SC ST अगर उनको इस तरीके का रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड भी दिए गए हैं, तो वो आप यहाँ पे केयरफुली इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद अगर फिजिकल की बात करें तो फिजिकल जो भी आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट हो या फिर फायरमैन हो, उन दोनों पोस्ट के लिए फिजिकल होना था, तो यहाँ पर रनिंग होने वाली है। मेल की बात करें तो यहाँ पर 1600 मीटर जो है वो 7 मिनट का टाइम रहेगा आपके पास। और इसके साथ साथ आपको वेट जो है उसको भी कैरी करना है, जिसका जो वेट होगा वो 63.5 किलोग्राम, जिसकी डिस्टेंस 183 मीटर्स और 96 सेकेंड में आपको इसको पास करना होगा, यानी इसको आपको क्वालिफाई करना होगा। और ये सिर्फ जो फायरमैन की पोस्ट है उसके लिए ही ये आपका टेस्ट होगा, ये वाला जो वेट आपको कैरी करना है उसकी बात की जाए। इसके बाद 3 मीटर वर्टिकल रोप पर आपको क्लाइंबिंग भी करनी है, आपकी जो 3 मीटर जो होगी वर्टिकल रोप होगी उस पर आपको चढ़ना है आपके बैलेंस के साथ, यहाँ पे 3 मीटर फुट अबव ग्राउंड, ठीक है, यानी कि 3 मीटर ऊंचाई होगी और 3 मीटर इसकी जो है वर्टिकल रोप होगी। और 20 जो है वो सिटअप्स होंगे आपको, उठक बैठक जो है 20 उठक बैठक होगी। और क्लियरिंग 2.7 मीटर वाइड डिच एंड लैंडिंग ऑन द बोथ फीट। बेसिकली लॉन्ग जंप के बारे में बात की गई है, जो कि आपकी जो लॉन्ग जंप होनी चाहिए वो 2.7 मीटर, लगभग लगभग 3 मीटर के आसपास होनी चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे 3 चांस मिलेंगे, बाकी में आपको एक ही चांस रहेगा, तो इस तरीके से देख सकते हैं। बाकी सिक्योरिटी असिस्टेंट में सिर्फ एक चीज़ नहीं होगी, वो आपको वेट जो है वो कैरी नहीं करना होगा। फीमेल के लिए भी देख सकते हैं आप, अगर आपने फीमेल कैंडिडेट हैं तो 800 मीटर आपको 5 मिनट्स टाइम में इसको क्रॉस करना होगा। और अगर आप फायरमैन पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो इसके लिए आपको 63.5 किलोग्राम का जो है वेट है वो कैरी करना होगा 183 मीटर डिस्टेंस तक, और इसके लिए आपको 96 मिनट का टाइम रहेगा। ये फायरमैन पोस्ट के लिए है ओनली। और वर्टिकल रोप के लिए आपको, अगर वर्टिकल रोप पर चलना है तो 2.5 मीटर जो है वो वर्टिकल रोप, साथ में 50 सिटअप्स और लॉन्ग जंप, यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 सिटअप्स और लॉन्ग जंप जो है वो 2 मीटर आपको लॉन्ग जंप करनी होगी। इसमें आपको लॉन्ग जंप में 3 चांस मिलेंगे, उसके अलावा आपको किसी भी जो भी इवेंट है उसके लिए कोई चांस नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से आपको आपको रिप्लाई किया जाएगा, आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर किया जाएगा। इसके साथ साथ आप हमारे करंट अफेयर के PDF नोट्स, हैंड रिटन PDF नोट्स को 1 जनवरी से 31 अक्टूबर तक जो भी करंट अफेयर रहा है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कॉमेंट बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। So guys, thank you for watching.